आपके पास है बायोलॉजिकल हैजार्ड, तो बायोलॉजिकल हैजार्ड है आप जहाँ वर्क कर रहे हो, अगर वहाँ पर बायोलॉजिकल हैजार्ड का एक्सपोजर होता है, किसी तरह के फंगस, वायरस या बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, तो आपको इसको भी ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में जनरली क्या हो सकता है, तो नो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन तो आपके कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर हो सकते हैं। ये क्यों हो रहे हैं, ये हमने तीन तरह के ऑक्यूपेशन में तीन तरह के रिलेशन पढ़े थे, मैन टू मैन, मैन टू एनवायरमेंट यानी कि मशीन, एंड मैन टू एजेंट। तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंजा होना, कोल्ड होना, ये जनरली पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन बायोलॉजिकल में चला जाएगा, है ना, ये देखने को मिलेगा अपने को मैन टू मैन, क्योंकि ये सारी कैसी डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सिलिका, सिलिकोसिस की वजह से होता है, तो सिलिका वर्कर्स के अंदर हमारे को जनरली ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। देन बेसिलस एंथ्रेक्स की वजह से, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, जो भी एनिमल हैंडलर्स हैं या जो भी एनी डेड एनिमल्स की स्किन के साथ में वर्क करते हैं, यानी कि लेदर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है जहाँ लेदर निकाला जाता है डेड एनिमल से, वहाँ पे अपने को इसे देखने को पड़ेगा। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनसे ऐसा होगा, यानी कि वुल कारपेट बनाया आपने, अगर आपने कोई लेदर से इसके जो अपना ये होती है शिप्स होती हैं, तो शिप की जो वुल निकालते हैं, ऊन निकालते हैं, वहाँ पर भी ये डिजीज देखने को मिल सकती है। देन आता है रिंगवर्म, तो रिंगवर्म कहाँ होगा, तो रिंगवर्म हम मिलेगा उन लोगों में जो हॉर्स, कैटल, डियर, पिग्स, कैट्स एंड डॉग्स या बर्ड्स के साथ में हैंडल करते हैं, यानी कि पेट शॉपर्स होते हैं जनरली। देन टिटनस, टिटनस किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से होता है, जिसका सोर्स हम पढ़ते हैं सॉयल होती है मिट्टी, तो जो लोग मिट्टी में ज़्यादा काम करेंगे, तो स्पेशली फार्मर्स मिट्टी में काम करते हैं, वहाँ उनके अगर कोई इंजर्ड बॉडी में इंजरी लगी हुई है, मिट्टी में अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है, तो टिटनी उनके मिट्टी में से निकल के इंजर्ड पार्ट में चला जाता है और टिटनस नाम की डिजीज करता है। देन सिटेकोसिस, सिटेकोसिस क्या है, सिटेकोसिस जो है ये मिलता है पीजन्स यानी कि कबूतर जो अपना स्टूल करते हैं उसमें ये क्लोस्ट्रीडियम सिटेसी नाम का एक बैक्टीरिया रहता है वो करता है, तो ये जनरली पेट शॉप वाले लोगों में मिलेगा, हाउस वाइफ्स में भी हो सकता है, वेटनरी सर्जन में भी हो सकता है, इन सब में देखने को मिलेगा। तो उसने जाकर अपना कहीं पे फिसिज डाल दिया कबूतर ने या पैरट ने, और वो आपके खाने में आ गया अगर बाई चांस, तो ये डिजीज हो सकती है। हुकवर्म में, हुकवर्म कहाँ देखने को मिलता है, माइनर्स में, एग्रीकल्चर लेबरर्स के अंदर ये देखने को मिलता है, या मिल वर्कर्स में भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में रेबीज, तो रेबीज के बारे में तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, वेटनरी लोगों में मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन फार्मर्स में देखने को मिलेगा,